नमस्कार दोस्तों, आज 1 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आखिरकार यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यूएस मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स यहां पे हमें 1.26%, S&P 500 हमें 1.3% और नैसडैक हमें 1.1% के रैली के साथ यहां पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कल आपको यहां पे निफ्टी 13,100 के ऊपर यहां पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है और बैंक निफ्टी में आपको 30,000 तक यहां पे एक लेवल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इसे एरिया लेवल्स के मदद से देखा जाए तो यहां पे सभी केसेस में आपको थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिलेगा, तो कल इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप जाके इनमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में यहां पे एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ को देखा गया। स्टॉक में देखे गए रैली के बाद यहां पे अभी एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पे इस स्टॉक में इनिशिएट हो चुका है। तो अगर कल ये स्टॉक आपको 174 के नीचे ये आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड यहां पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिल सकता है। तो यह है मणप्पुरम फाइनेंस, जिसमें गोल्ड में देखे गए गिरावट की वजह से आज यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। करंटली इसके ऑर्डर बुक से कल भी आपको थोड़ा सा गैप डाउन दिखाई दे सकता है और इवन इस बात को आप जाके इसके फ्यूचर लेवल से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो कल आपको इस स्टॉक में अराउंड 172 और 170 के लेवल्स सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक काफी करेक्ट हुआ और फाइनली अपने प्रीवियस सपोर्ट के काफी करीब जाके इसने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है वो अगर टूटता है तो आपको इसमें फर्दर एक डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पिछले स्टॉक की तरह इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग अभी इनिशिएट हो चुका है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में काफी बड़ी रैली की वजह से काफी ऊपर तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में ये सेल ऑफ आना यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, तो आप अगर इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से होल्ड करते हैं तो आपको भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो स्टॉक है यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें आज अराउंड 4.12% का एक फॉल हमें देखने को मिला है। करंटली इसके ऑर्डर बुक से कल भी आपको यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे सकता है और अगर आप इसके फ्यूचर लेवल्स को देखें तो यहाँ से आपको कल थोड़ी सी डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको 1025 के लेवल्स को कंसिडर करना है। अगर इसके नीचे स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको 1010 और 1000 तक के लेवल्स सेलिंग साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टॉक से देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें क्योंकि इससे हमारा जो चैनल का रीच काफी लोगों के पास पहुंचता है और हम आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट डेली बेसिस पे अपना लाने का प्रयास भी जारी रखेंगे। तो तीसरा जो स्टॉक है, इसमें आज एक ब्रेकआउट की वजह से और बुलिश ट्रेंड की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रैली को देखा गया और स्टॉक जाके अपने इंट्राडे हाई के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दे रहा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि अगर कल 13,100 लेवल निफ्टी सस्टेन करता है तो ये स्टॉक में आपको एक फर्दर राइज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक है यहाँ पे इंडसइंड बैंक, जिसमें आज अराउंड 5% के करीब हमें एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करेंटली ये अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे जाके क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से कल आपको अराउंड 9,000 के करीब एक ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इस बात को आप जाके इसके फ्यूचर लेवल से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आपके लिए जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 9,010 का और अगर ये थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो आपको 915 और 920 तक 2 और 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला जो आखिरी स्टॉक है, इसमें भी आज एक ब्रेकआउट को देखा गया और यहाँ पे सिग्निफिकेंट बाइंग आने की वजह से स्टॉक अपने इंट्राडे हाई के लेवल्स पे जाके ट्रेड कर रहा है। तो कल भी आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है कि अगर 540 यहाँ पे सस्टेन होता है तो आपको इसमें फर्दर बुलिश साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल, जिसमें आज अराउंड 5.75% तक एक अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऑर्डर बुक से कल आपको थोड़ी सी गैप अप स्टॉक में दिखाई दे सकता है और इस चीज को आप यहाँ पे फ्यूचर लेवल से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं।
तो आपको इस बात को कंसिडर करना है कि अगर 540 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको अराउंड 548 और 552 तक यहाँ पे जो टारगेट बाई साइड में देखने को मिल सकता है। अगर आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रिलेटेड कोई इशू है और कोई क्वेरी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में जाके एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको इंट्राडे ऑन म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। 13,000 के ऊपर ओपन होने के बाद निफ्टी आज थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन बाद में फिर से इसमें एक बाइंग आने की वजह से इसने अपने लाइफ टाइम हाई के जस्ट नीचे जाके अपना हाई फॉर्म किया और फाइनली इसे 13,109 पे क्लोज होता हुआ देखा जा सकता है। डेली कैंडल के बेसिस पे अगर इसे देखा जाए तो आगे आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज हम यूएस मार्केट में डाउ जोन्स और S&P 500 में एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे फॉलो करें तो हमें 13,000 और 13,100 के लेवल्स पे आज यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिल जाएगा। तो हम कल मार्केट ओपन होते वक्त इसे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 13,100 का स्ट्राइक है। अगर ये कल आपको टूटता हुआ दिखाई दे और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको निफ्टी में देखने को मिलता है तो आप 13,000 को अगला सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए 13,100 एक चैलेंज की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल को कल निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 13,200 तक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो ये भी आज काफी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे फिर से एक अपसाइड को इस चार्ट से यहाँ पे देखा जा सकता है। फाइनली इसने 29,800 के ऊपर जाके अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, तो कल भी इसमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेली कैंडल्स पे हम इसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। करेंटली ये अपने सभी EMA लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये अपने 9 डे के EMA लेवल को कल सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको 30,000 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर ऑप्शन चेन डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे 29,500 के ऊपर हमें इमीडिएटली एक सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज इस लेवल पे अराउंड 8.41 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप यहाँ पे देखा जा सकता है। और कॉल साइड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को 29,800 के लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करना होगा, अदरवाइज कल इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो और अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।